अरे मैं पाम छू के ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनसे छोटा हूँ क्योंकि लगते नहीं है। अनिल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और मैं एक चीज बतानी चाहता हूँ, वो लड़की देखिए कितना आपको देख के मरी जा रही है। यही हाल कुछ साल पहले इसकी मम्मी का भी था। तो ये मतलब सर ये राज क्या है, मतलब जब भी देखो आप वैसे के वैसे, एक इंच एक उधर उधर नहीं, मतलब क्या सीन है सर? अरे सर, एक ग्राम वजन नहीं बढ़ा, एक सफेद बाल नहीं है, ये क्या राज है? ये डाइट है कि डाई है? आज मैं राज बता ही देता। बता दो सर। ये डाई है। नहीं, 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 नहीं। देखो एक बात समझो, 40 साल नाम बनाना, फिर उस नाम को बरकरार रखना, ये एक चमत्कार है। और चमत्कार है तो सिद्धू का नमस्कार है। ठोको ताली। एक बार जोरदार ताली अनिल सर के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अनिल सर ने एक आदमी को विलन के रोल के लिए बुलाया, उस आदमी की किस्मत बुरी थी क्योंकि वो एक और शो में बिजी था और वो आदमी आज आपके सामने खड़ा है। अनिल सर, और ये सच बात है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। हाँ, है? मेरे ख्याल से मैंने ये कपिल साहब का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी तो करते ही हैं, बहुत जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, मगर ये एक जबरदस्त विलन भी बन सकते हैं। तो मैंने इन्हें फोन किया, भैया 24 के लिए अच्छा सा एक जबरदस्त विलन का रोल है तो आप क्यों नहीं करते? तो क्या जवाब दिया सर, आप बता दीजिए। सर मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी बुरी किस्मत, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है भाजी कि आप पे जो एक बार छाप लग जाती है तो उससे बाहर निकलना या लोगों के सामने अपनी इमेज बदलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन आई डोंट एग्री विद इट। अभी हम लोग देखो एक छोटा सा सीन करते हैं, देखना इसमें। अरे एक फनकार को पता चलता है कि किसमें टैलेंट है कि नहीं। चलो ये हम करके बताते हैं, आप मुझे फोन कीजिए, आप विलेन बन दीजिए, देखो कितना जबरदस्त करता है। खटाक खटाक। ओके सरदार, खुश हुआ? मैं विलेन। हेलो हेलो, बोलिए। जय सिंह डॉर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर जी एक बात कहनी थी, आपकी बेटी किडनैप होगी, मेरे को कॉल बैक करेंगे जरा? हेलो हेलो जी। यार आप कहाँ चले गए थे, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? और सर जी आपकी थोड़ी सी बेटी किडनैप की है जी। हाँ जी बोलिए। तो अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो अपनी बेटी को पैसा देके ले जाइए। अरे बेटी मेरी किडनैप हुई और नर्वस तू हो रहा है? हाँ, मैं तेरी जान को खतरा है? मेरी जान को इसलिए खतरा नहीं, सुबह से 4 पिज्जे मंगवा चुकी है, मेरे को तो नाम भी नहीं आते जी। ठीक है मैं 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा सर जी, आप एक काम करो, आप वहां से निकलो, मैं यहां से निकलता हूँ, कहीं बीच में मिल लेते हैं। आपने देखा? और सर जी बेटी तो आप लेने आ ही रहे हैं, मेरी भुआ भी ले जाओ, 1000 रुपए मेरे से ले लेना। यही कपिल का यही प्रॉब्लम है, सीरियस सीन दो, कॉमेडी अपना इंटेंस सीन दो, एक विलेन का सीन दो, उसमें कॉमेडी डाल देता है, इसलिए कॉमेडी नाइट्स का किंग बन चुका है। अनिल सर आपका इस हमारे घर में स्वागत है, आप प्लीज विराजमान हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए जी। ओए फिटे मुंह तेरे, ये तो ना सिद्धू जी, हाँ ये तो ना मैं इसके नए ऑटो की इज्जत रख रही हूँ, वरना पुराने वाले को तो मैं गालियां भी ना दूं। प्रेशर सीख के आ रही हूँ। मेरा अनिल कपूर ले जाएगा मुझे सबसे दूर।
हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू, वेलकम टू यू अनिल जी। अनिल जी, हमारे कार में ना बहुत सारे हीरो आए, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फैन हूँ। आपको पता है, आपकी जवानी भी बस चले जा रही है, चले जा रही है, और मेरी भी चले जा रही है, चले जा रही है। अनिल जी आइए ना, जरा इधर साइड में बात करें। एक सेकंड, जरा मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी उनसे मत कीजिए, मुझसे कीजिए। ये आपकी बुआ जी है? ये पूरा बुआ, इसको अभी तक कोई लेके नहीं गया? इनके टाइम की जितनी भी इमारतें सारी गिर चुकी हैं और इसको अभी तक कोई लेके नहीं गया। सुनिए ना, चलिए ना मेरे साथ। ओह माय गॉड, आपके हाथ कितने पतले हैं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक्यूप्रेशर सीख के आई हूँ। अभी ऐसा पॉइंट दबाऊंगी कि इनका हाजमा ठीक हो जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप क्या ट्रक ड्राइवर हैं या पहलवान हैं? क्या करती हैं आप, ट्रक चलाती हैं? बचा दिया कहीं के। बुआ तू एक्यूप्रेशर सीख के आई है कि हैंडसम बंदे को देख के तेरा प्रेशर बढ़ रहा है? क्या कर रही है तू, तंग कर रही है? काम नहीं चलने दोगे तुम लोग? बिट्टू क्या हो गया? मैंने इनका इश्क वाला पॉइंट दबाना था, मेरा खुद का दब गया। अनिल जी, मुझे ना बड़ी जोर से इश्क आया, आप ना मेरे लिए कोई रोमांटिक टाइप गाना गा दीजिए। ये पैर भाई, दादी जी के साथ मैंने आई लव यू कहा तो उनके पैर ही पड़ूंगा ना। गलत हो गया बिट्टू, ये मुझे दादी जी कह रहे हैं? कौन है ये मूंछों वाला आदमी? बुआ, हमारी बुआ बाबा आदम के साथ बंटे खेलती रही है। I'm so sorry, अनिल सर, actually क्या है ना कि जब तू बाहर मिलना मुझे, मैं तेरे को ये शो के बाद मिलना मुझे, कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा, तू आएगा ना ऑफिस बड़े पर्दे पर। बुआ के लिए सॉरी, और अनिल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अनिल सर के बारे में एक बात कहनी चाहूंगा कि अनिल सर ने लगातार एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की हैं, जिनमें से 1985 में इनको फिल्म मेरी जंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सन 2000 में फिल्म पुकार के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। वाह। फिर 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कमाल। 2013 में तो इन्होंने हद ही कर दी, सीधा कॉमेडी नाइट्स में। कैसा? पर कपिल साहब, आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत से अवार्ड्स मिले जी, इतने सालों से काम कर रहा हूं, मगर जो खुशी मुझे कॉमेडी नाइट्स में आकर आज हुई है, आज तक नहीं हुई है। ऑस्कर ऑस्कर क्या है? यार ये क्या, मेरे को शो में क्यों बुलाया यार? पहले हुआ हूं कि गई, अब ये दो कौन है? ये मतलब ये सर वो पानी की दो टंकियां नहीं, एक ही है, इधर वाली लड़की है। एक मिनट आया, हम लोग आ जा, मैं भाग रही, तू चल गया। बदतमीज लड़कियां ये ना हमारे मोहल्ले में रहती हैं, तुम लोग क्या फैंसी ड्रेस पहन के आ गई यहाँ पे? निकलो यहाँ पे, एक हेलो यहाँ से, ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं है, सेक्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। ओ, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया? ये तो टीवी में भी आएगा ना, मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे मैंने क्या बोल दिया, सेक्सी बोल दिया।
मम्मी पापा तो तुम्हारे जैसे ही, वो कौन सा बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं। इनकी सारी फैमिली को एक साथ देख लो, पता नहीं चलता माँ कौन सी, बेटी कौन सी, बाप कौन सा, भाई कौन सा है। जाओ यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं अपनी मैगजीन के लिए। कौन सा इंटरव्यू चल रहा है, फालतू बकवास कर रहे हैं। हेलो, टीवी पे आता है वरना हम ये आपको फ्लाइंग किस वापस दे देते हैं। हम ना इनके पड़ोसन है, गुत्थी अनिल, अनिल ओ सॉरी मैं गलती बोल बैठी, माधुरी अनिल, अनिल मोहिनी, गुत्थी कपिल, कपिल ऑडियंस, ऑडियंस वन टू का फोर, वन टू का फोर, फोर टू वन। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सिर्फ बातें नहीं करने के लिए। अनिल जी आप ऐसी मोहब्बत से मत देखो पहले तो। मैं एक मोनो एक्टिंग करना चाहती हूँ आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड। सिद्ध साहब परमिशन खड़काओ। सिद्धू को साहब सब चीज खड़काते हैं, बताओ वो ये घर पे रोटी खाते नहीं है, खड़काते हैं। पलक रेडी? रेडी दीदी। ठोको। ठोक रही हूं। ओके, दिस मोनो एक्टिंग इज डेडिकेटेड टू अनिल कपूर। एंड ये मोनो एक्टिंग की ड्यूरेशन है 24 सेकेंड। ओके ओके, सांप स्नेक मछली से मछली एक बात बताया सांप, तू मछली क्यों नहीं खाता? क्योंकि मछली में कांटे होते हैं। तो चप्पल पहन के खा लिया कर। लेकिन मेरे तो पांव ही नहीं है। ओ अब समझ आई बात दीदी, मैं जा रहा हूं। इतना जोर से इसी तरह पेटीकोट खुल गया। जगह इंसल्ट करवाती है तू। ये जंजीर क्यों बांध के रखी है, पेट कहीं चला ना जाए। एक मिनट, मेरे भी आपने ना एक शायरी तैयार की है, मैं सुनाऊं? ठोक दी। आपको आज यहाँ देख के वाह, दिल में इतना प्यार जगा वाह, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, बूजी की छुट्टी कर दी आज। आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। और जब आपकी फिल्म आई थी ना मिस्टर इंडिया, जो मैंने देखी थी, वो उसमें आपने मूंछें रखी थी तो मैंने भी मूंछें रख ली थी। मैं एक बात बता दूं, वो ये आपकी एक ही बहन है कि दो जोड़ के बनाई है? क्यों तूने वो फैट लॉस वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया जब तेरे पर असर ही नहीं हो रहा? तो अब हम चले जाएंगे, लेकिन अनिल जी आपको ना इतनी सर्जरी के डांस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके तो बहुत बड़े फैन है हम लोग, तो डांस प्लीज गैलरी डांस डांस।